अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाला स्वीट कॉर्न की रेसिपी। आज मैं आपको मसाला स्वीट कॉर्न घर पे बनाना बताऊँगी, बिल्कुल ही वैसी जैसे कि हम थिएटर्स या फिर मॉल्स में खाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ रेशम, स्पाइसी टेस्ट में आप सबका बहुत सारा वेलकम। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे पानी। पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्न और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए ना उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए 8 से 10 मिनट के लिए इसे उबाल लेते हैं। जब हम इस तरीके से कॉर्न को उबाल के बनाते हैं ना, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि कॉर्न अच्छी तरीके से गल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे उबलने दीजिए। ये देखिए, जब ये थोड़ा उबलता है ना, तो ये देखिए ये कैसे थोड़ा सा फूल सा जाता है और इसका सारा कच्चापन ना दूर हो जाता है। तो इसे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए ज़रूर उबालिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए। ये देखिए, कॉर्न बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इसे निकाल लीजिए। अब एक पैन में डालेंगे बटर। बटर जैसे थोड़ा सा मेल्ट हो, इसमें डाल देंगे कॉर्न और कॉर्न डाल के ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब हम इस तरीके से फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है ये और खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे इस तरीके से फ्राई ज़रूर कीजिए बटर में। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो इससे मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। अब गैस को करते हैं ऑफ और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म इसे एक बाउल में निकालिए। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और 1/4 इसमें डालेंगे हम चना मसाला। ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना यमी लग रहा है ये, और टेस्ट तो यकीन मानिए बिल्कुल वैसी टेस्ट जैसे कि हम थिएटर और मॉल्स में खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना यमी है ये। आप इस तरीके से गर्मा गर्म खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।